साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है मत्स्य पालन संबंधी योजनाएं। इस कार्यक्रम पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं भरत सिंह जी, जो कि संचालक हैं मत्स्य पालन विभाग मध्य प्रदेश में, और साथ ही प्रगतिशील कृषक के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णकांत चौकसे जी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जैसा आप जानते हैं, यह कार्यक्रम हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। विषय से संबंधित जो भी प्रश्न आप हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, जिसका आपको बेहतर उत्तर प्राप्त होगा। आपको जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं इस विषय संबंधी जो आप कार्य कर रहे हैं, उसकी पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो सर, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का विषय है, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मत्स्य पालन योजनाएँ जो हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इसके विषय में हमें बताएं। ये प्रोग्राम देख रहे हमारे मछली पालक भाई, हमारे अन्य साथी, हमारे जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उसको सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आज इस प्रोग्राम में हमारा सौभाग्य है जो कि हमें आप दूरदर्शन वालों से मौका मिला। जैसा कि हमारे मछली विभाग की योजनाएं हैं, मछली पालन में हमारा मुख्य उद्देश्य जो हम कहें, हमारा काम करने का तरीका कहें, मछली विभाग फूड के रूप में, न्यूट्रिशन है, और हमारा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में मुख्य रूप से हम लोग काम करते हैं जी। मुख्य उद्देश्य हमारे विभाग का है कि जो सीमांत कृषक हैं, छोटे छोटे किसान हैं जी, जो हमारे युवा साथी लोग हैं, जो उनको हमें इस धंधे पे जोड़ना, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके जी। उनको ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर पर वो हमारा वही काम को करें जी। तालाब की संख्या जहाँ पर है, हमारी कई अनेकों स्कीम्स हैं। एक हमारा मुख्य रूप से जो हमने चलाते हैं, युवा उद्यमी जो हमारे पास हैं, जिनको कि गांव में पॉन्ट्स हैं या उनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, तो हमारी पहले एक योजना चला करती थी नील क्रांति योजना जी। नील क्रांति योजना हमारी काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई, उसमें प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी। उसको मर्ज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक 2021 से लेकर 5 साल की एक योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नाम से योजना लागू की गई जी, जिसमें गरीब से गरीब से मछुआरों को लेकर, छोटे से छोटे से सोच के लेके, उनको मछली पालने से लेके, उनकी मछली बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये सभी चीज़ों को लेके एक योजना बनाई गई जी, जो सारगर्भित रूप से बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश में इसमें काम हो रहा है जी। इसी क्रम में एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के नाम से एक योजना अडॉप्ट दी गई जी। उसमें भी हमारे जैसे हमने एक झींगा पालन, जो हमारे स्टेट में बहुत अच्छा हुआ करता था, झींगा पालन करना, हमारे स्मार्ट कियोस्क बनाना, तालाब में मछली पालन करना, मछली बीच का संवर्धन करना, ऐसे क्रेडिट कार्ड बनाना, एक हमारी बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट कार्य योजना है जी। किसान को क्रेडिट कार्ड, जैसे कि पहले किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाते थे, उसी तर्ज पर हमारे फिशरमैन मछली पकड़ने वाले भाइयों को भी मछुआ क्रेडिट कार्ड पहले चलता था, उसकी जगह हमने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी, ताकि मछुआरों को जो छोटे मोटे पैसे की आवश्यकता होती है, अल्पकालीन ऋण उनको बैंक से मिल जाता है। ये हमारे यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनके माध्यम से 0% ब्याज पर ये योजना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चालू है। मछुआरों के लिए हमारी एक योजना विभागीय प्रशिक्षण की योजना भी है, जो मछली पालक, मछली पालने वाले या मत्स्य बीज उत्पादन करने वाले हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक योजना भी हमारे बना रखी है। विभाग उनमें 5 दिन की ट्रेनिंग और 2 दिन का एक्सपोजर विजिट करवाता है, ताकि अधिक से अधिक मछली पालन उसको देख समझ के अपनी मछली पालन का काम कर सकें और जुड़ सकें जी। और दूसरा हमारा एक रंगीन मछलियों का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो अलंकारिक मछलियां हैं, जो रंगीन मछलियां हैं, आजकल जो हम देख रहे हैं कि आज के वर्तमान परिस्थितियों में, आजकल सभी मीडियम वर्ग में और हाई लेवल में तो एक्वेरियम का पहले से कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल, तो उसमें रंगीन मछलियों को अपने घर में ले जाके सजाते हैं, लाइव के रूप में रखते हैं, तो वो भी एक हमारे भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश में काफी है। हमने इस पर अलंकारिक मछलियों की कुछ हैचरियां बनवाई हैं, कुछ लोग हमारे फार्मर्स आए हैं जो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, तो रंगीन मछलियों के कॉन्सेप्ट भी हमारे बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ हमारी स्पीसीज हैं जो नई नई स्पीसीज थी, जो कि पहले यहाँ कल्चर नहीं होती थी, वो स्पीसीज भी हम लोग यहाँ कल्चर करा रहे हैं। इस प्रकार से हमारी छोटी छोटी सी अनेकों योजनाएं हैं जो कि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, वाकई आपने एक संक्षिप्त रूप कहूँ, विस्तृत रूप कहूँ, सब कुछ बिल्कुल एक साथ आपने यहाँ संजोया है, जहाँ आपने बताया कि किस प्रकार से किसान भाई इसको, इसका लाभ ले सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएँ चल रही हैं। सर ने सारी योजनाओं के विषय में आपको बताया कि आप कैसे, जहाँ सर ने बताया कि रंगीन मछलियों का जो काफ़ी पहले से एक उच्च वर्ग में जो चला आता था, आज मध्यम वर्ग भी अपने घरों में रंगीन मछलियों को सजाते हैं, जो कि आपको आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाती हैं। पहले जहाँ डिफिकल्टी आती थी, कठिनाइयाँ आती थी, अलग अलग प्रकार की मछलियों को कहाँ से प्राप्त करें, अब यह आसानी से उपलब्ध है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं योजनाओं के कारण। कृष्णकांत जी, आप हमारे साथ एक प्रगतिशील कृषक के रूप में आज यहाँ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिली और कैसे इस क्षेत्र का सृजन हुआ, कैसे आप इसमें आगे बढ़े। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलूंगा।
2022 में मैं इस क्षेत्र में आया जी। युवा होने के कारण मैंने देखा कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छी सब्सिडी दी जा रही है जी। जो छोटा सा किसान भी जिसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है और पानी की व्यवस्था है वो इस चीज फील्ड में जा सकता है जी। फिर थोड़ा स्टडी करने के बाद हमने इस फील्ड में जाने का सोचा जी। तो कुछ नई टेक्नोलॉजीज थी जो इस फील्ड में आई थी उसके बारे में स्टडी करी, वो टेक्नोलॉजीज हमने हमारे प्लांट में लगाने की कोशिश करी और हमने तीन टेक्नोलॉजीज लगाई हैं, जिसमें पहली टेक्नोलॉजी है RAS बोलते हैं, जिसमें कम जगह में कम पानी में मछली का इंटेंसिव मतलब ह्यूज प्रोडक्शन किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में पानी को रिसर्कुलेट किया जाता है जी। मतलब पानी कम स्रोत में भी ज़्यादा प्रोडक्शन बड़े तालाब की या छोटे तालाब में हम कर सकते हैं जी। दूसरा हमने एक फीड मिल लगाई, फीड मिल क्योंकि मछली दाना खाती है, हमने खुद का प्रोडक्शन करना था तो हमने शासन से मदद लेके एक फीड मिल लगाई जो हम हमारी मछली को हमारा स्वयं का दाना खिला रहे हैं। बहुत बढ़िया, जिससे हमें मार्केट में कंपटीशन करने में इजी होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम जो हमारा प्रोडक्शन बना रहे हैं और जो मार्केट से हम फीड ले रहे हैं उसमें कॉस्टिंग का अंतर आता है, रेट मतलब 6 या 7 रुपए का अंतर है जो बहुत ह्यूज अंतर होता है। बिल्कुल। तीसरा जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि एक छोटे से एरिया में भी कल्चर किया जा सकता है। तो एक मात्र 10,000 square feet के एरिया में भी किसान उसके 10,000 square feet की जगह है और पानी की व्यवस्था है तो पॉन्ड बायोलाइनर से वो अपना प्रोडक्शन चालू कर सकता है और कम लागत में प्रोडक्शन चालू कर सकता है जी। हाँ जी, हमारे साथ में एक कॉलर है यहाँ पर, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। हाँ जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मछली पालन करने के लिए तालाब की कितनी गहराई होनी चाहिए जी, गर्मी में कितना पानी हो, जाड़े में कितना पानी हो, बरसात में कितना पानी हो, कौन सी वैरायटी की मछली डालनी चाहिए, उसका अनुपात कितना होना चाहिए, क्योंकि मछली गलती रानी है, जमीन का पास्ते हाथ लगाओ डर जाते हैं, बाहर निकालो मर जाती है जी। बिल्कुल सर, नंद स्वरूप जी का जो प्रश्न है आप समझ गए। अच्छा प्रश्न है आपका, आपने मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इसको बताया। मैं इसमें अपने फार्मर से कहूँगा, मछली जल की रानी है, हम सबकी जीवनदानी है। क्या बात, जीवनदायिनी के रूप में मछली पालन यदि किसी व्यक्ति को सिखा दिया जाता है तो उसको एक अपने पूरे साल भरपेट भोजन की गुंजाइश बन जाती है, किसी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं पड़ती। आपका प्रश्न है कि तालाब में पानी कितना होना चाहिए जी। तो मछली पालन के लिए जो ग्रीष्मकाल का पानी होता है उसमें कम से कम 6 से 8 फीट अगर पानी रख लेते हैं, मोटे तौर पर कहें कि हमारे नॉर्मल अपने यहाँ हाइट जो 6 फीट मानी जाती है, तो अगर अपने चेस्ट के बराबर उसमें पानी है, मतलब 5 या 6 फीट पानी ग्रीष्मकाल में है, तो उसमें मछली पालन का काम आसानी से कर सकते हैं। कारण उसका क्या है कि हमें गहराई में ग्रीष्मकाल में जब बारिश होता है तो सीपेज भी होता है, एवोपरेशन भी होता है, सीपेज मतलब जमीन में भी जाएगा, उड़ेगा भी पानी, तो उस समय थोड़ा सा गर्मी में पानी की हमें दिक्कत पड़ती है, उसमें रखना पड़िए। बाकी पानी में कोई भी मछली पालन का काम करने के लिए 8 से 10 फीट पानी अगर फॉन्ट्स में रहता है तो पर्याप्त पानी है, और स्पेसीज कल्चर पे भी निर्भर करता है, जैसे कि कौन सी स्पेसीज का हम पालन कर रहे हैं। आपका प्रश्न था कि हमें कितना तालाब में सीड डालना चाहिए, तो अगर हमने इंडियन मेजर कार्प है जैसे कि कतला, रोहू, मिर्गल, इन मछलियों का पालन कर रहे हैं तो इसका एक रेशियो सरकार ने दिया हुआ है 40-30-30, मतलब 40% आप उसमें कतला डालिए, 30% आप उसमें रोहू डालिए, और जो शेष बचता सर आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। एक कॉलर और है हमारे साथ में जो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, बिपिन जी सागर से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ सर नमस्कार, सर को भी डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार सभी को, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपको भी था कि बहुत सारे सर युवा हैं, किसान हैं जो मछली पालन करना चाहते हैं पर उनके पास सर उपलब्ध जगह नहीं है, तो क्या ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई प्रावधान है या फिर ऐसी कोई कानून है सर इसमें हम सरकारी जगह पर तालाब को खुदवा के उसमें मछली पालन कर सके, सर ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या? जी बिल्कुल सर। आपका जो प्रश्न है कि अपनी जमीन पे जैसे हमारी योजना जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये स्वयं की भूमि पर निर्माण तालाब निर्माण करने की योजना है, लेकिन इसके अलावा अगर हमारे ग्राम पंचायत में कोई छोटा तालाब है उसमें हमारे पास एक 2008 की नीति है जिसका हम लोग पट्टा बनाते हैं, उसमें जो क्राइटेरिया है अगर 0 से 10 हेक्टर तक का पॉइंट होगा और तो उसको हम लोग 10 साल का पट्टा दे देते हैं, वो आपके ग्राम सभा से प्रस्ताव पड़ता है जी। तो ग्राम 10 हेक्टर तक का पट्टा ग्राम पंचायत के पास है, 10 हेक्टर से लेकर 100 हेक्टर तक का पट्टे का अधिकार जनपद पंचायत के पास है, और 100 हेक्टर से बड़ा 1,000 हेक्टर का रिजर्वायर अगर आपके आपके जिले में आपके ग्राम में सभा में है तो वो जिला पंचायत को अधिकार है। ये 2008 की नीति मछली पालन की नीति है जिसके तहत हम 10 वर्ष का पट्टा दे सकते हैं। आजकल जो भी है जो पट्टे की बात मैंने बताई इसमें हमारी एक नीति है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं जैसे पुष्कर धरोहर योजना है, अमृत सरोवर योजना है,
इसमें भी हमारे जल उपभोक्ताकर्ता समूह हैं। अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी भी योजना में अगर पॉन्ड्स बना हुआ है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग प्राथमिकता देते हैं। वहाँ का जो लोकल का समूह है उनको हम प्राथमिकता देते हैं, उसको उस पालन उससे जुड़ सकते हैं वो। जी बहुत बढ़िया, दोनों ही प्रश्नों का सर ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। जहाँ पर पहला प्रश्न था कि कितना पानी होना चाहिए तालाब के अंदर, सर ने बहुत ही अच्छा बताया कि 7 से 8 फीट कम से कम पानी होना चाहिए, और निर्भर करता है कि आप कौन सी प्रजाति, कौन सी स्पीसीज आप वहाँ पर पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार पानी की मात्रा जो है वो बढ़ भी सकती है। सर यहाँ से हम जानना चाहेंगे, हमने युवाओं के लिए, युवा कृषकों के लिए जो PMSY योजना है, यह किस प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, कैसे वह इससे लाभान्वित हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें युवा साथी हमारे जो लोग हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जी। इसमें कोई भी यूनिट कॉस्ट अपन लेते हैं तो उसमें 60% जो है महिलाओं को सब्सिडी है और 40% जो है हमारी पुरुष वर्ग के लिए सब्सिडी है। इसमें और स्पष्ट करूंगा कि हमारे किसी भी समुदाय की अगर महिला वुमेन इसमें अप्लाई करती है अपनी जमीन पे औकात के लिए, स्कीम्स में आपको बताऊंगा कि कितनी हमारी स्कीम्स है, तो उसमें महिला को 60% सब्सिडी मिल जाती है। अगर कोई पुरुष भाई हैं वो जनरल कास्ट के, SC ST और वुमन, इनको हमारा 60% सब्सिडी मिलता है, और जो हमारे जनरल कास्ट के भाई हैं उनको हम 40% सब्सिडी लाते हैं। जैसे मैं एक यूनिट कॉस्ट की छोटी सी बात को ध्यान देकर आपको समझाता हूँ कि एक छोटे से तालाब बनाने के लिए, 1 हेक्टेयर तालाब बनाने के लिए तालाब को खोदने की हमारी 7 लाख रुपये की यूनिट कॉस्ट है, और उसमें इनपुट कॉस्ट मतलब जैसे मछली का दाना है, मछली का खाना है, बीज है, फीड है, कुछ उसको एपरेटस हैं, इसको खरीदने के लिए 4 लाख रुपए का प्रावधान होता है जी। मतलब कुल मिला के 11 लाख का हमारा प्रोजेक्ट अगर बनता है तो उसमें महिला को 60% सब्सिडी मिल जाएगी, और अगर जनरल का पुरुष भाई है तो उसको 40% सब्सिडी मिल जाएगी जी। इसी प्रकार से हमारे स्कीम से हमारी करीब 30-31 पे स्कीम में हमें पैसा मिलता है जी। अगर मैं इसको क्रम से जाऊंगा तो जैसे हमारे तालाब निर्माण में सबसे शुरुआत होती है हमारी हैचरी की जी। तो मछली बीज की हैचरी के लिए इसमें बताना चाहूंगा कि आजकल पहले हमारे प्रदेश में कहें या और थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो मछली का बीज जो है बाहर से आने का चलन था जी। वर्तमान में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जब से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई है जी, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, निजी क्षेत्र में इतनी हैचरियाँ बन गई कि अब हमें किसी बाहर से सीड मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है जी। लोकल हमारा फार्मर सीड खरीद सकता है जी। प्रायः हमारे सभी जिलों में हैचरियाँ उपलब्ध हैं, फार्मर वहाँ से खरीद सीड मिल सकता है उनको, अच्छी क्वालिटी का उन्नत प्रजाति का जो सीड होता है हम लोग फार्मर को प्रोवाइड कराते हैं जी। इसी प्रकार से अगर जिस योजनाओं की बात तो अपने सामने आई है तो हैचरी बनाने की योजना है, अगर कोई भी मछली पालन वाला बीज का काम करना चाहता है तो हमारी योजना मत्स्य बीज समर्थन की भी, वो तालाब में हैचरी अपने खुद की जमीन पर हैचरी निर्माण कर सकता है। हैचरी निर्माण करने के लिए उसकी 25 लाख रुपए यूनिट कॉस्ट है। इस प्रकार की जो मैं आपको यूनिट कॉस्टें बता रहा हूँ ये सब यूनिट हमारी विभाग की वेबसाइट है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं, हमारे प्रधान जिला अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, संचालनालय में भी हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का भी कोई होता है तो हम उसको तैयार रहते हैं जी। बहुत बढ़िया, वाकई कितना अच्छा सर ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संवर्धन योजना जो है किस प्रकार आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है, जिसमें सभी के लिए, महिलाओं के लिए 60% जहां पर सर बता रहे हैं कि वह है, उनको लाभ प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार सब्सिडी प्रदान की जा रही है कि जो भी कृषक, जो भी युवा कृषक इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको बहुत ही अच्छी यहां सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे वह अपने भविष्य को उज्ज्वल दिशा की ओर ले जा सकते हैं। कार्यक्रम जारी रहेगा, यहां पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है।
मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो उसी से हम आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में कृष्णकांत जी हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है और अगर वह इस क्षेत्र में आना चाहता है तो आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे, कैसे वह इस क्षेत्र में शुरुआत कर सकता है और कैसे वह आगे बढ़ सकता है? देखिए, इसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर भी हो सकती है। okay. जैसे एक 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया से भी हम प्रोडक्शन, मछली का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र का कृषक है तो एक वो आधे हेक्टर के तालाब से भी इसकी शुरुआत किया जा सकता है। विभाग के हर जिला स्तर पर अधिकारी हैं, वो अधिकारियों से संपर्क करें और वो अधिकारी उसकी लैंड पे विजिट करके, आपने जब शुरू की होगा किया होगा यह कार्य, जब आप आए इसमें तो आपको भी कुछ कठिनाइयां हुई होंगी, तो कैसे आपने, आपको सहायता मिली अधिकारियों से या जिला जहां पर है संचालनालय से, तो कैसे आपको सहायता प्राप्त हुई, कैसे आपने वो कठिनाइयां दूर की? जी, स्टार्टिंग में कठिनाई होती है क्योंकि हम कृषक बिल्कुल नया होता है इस फील्ड के लिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ी रिसर्च करने के बाद फिर हम जिला स्तरीय अधिकारी के पास गए, सर से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। और इस विभाग के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे अधिकारी वर्ग आपको बहुत मदद करेगा। आप अगर जेन्युइनली काम करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ की सपोर्ट मिलेगी। वो फील्ड विजिट भी करते हैं, वो आपको हर चीज़ में डायरेक्शन देते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, अगर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें 60% की सब्सिडी है। 60% की सब्सिडी के बाद ये हम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेशनलाइज्ड बैंक भी हो गई जो इसमें सपोर्ट करते हैं, से मदद मिल सकती है, जहां से आर्थिक रूप से कमजोर जो किसान भाई है वह इस क्षेत्र में अपना कार्य कर सकता है, आरंभ कर सकता है। सर, हम जानना चाहेंगे, इसी प्रश्न को अगर मैं आपसे जोड़ना चाहूं कि अगर कोई नया कृषक भाई जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है या कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है बट कदम डगमगा रहे हैं, तो कैसे वह शुरुआत करे, कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़े और कैसे इस कार्य को आगे लेकर जा सकते हैं? मछली पालन करने के लिए आजकल जो टेक्नोलॉजीज हैं, जिनको बायोफ्लोक है, आरएएस है, इसमें कम जमीन, जैसे 10,000 स्क्वायर फीट बोला, उसमें भी हम कह रहे हैं अगर 1500 स्क्वायर फीट जमीन भी है, मतलब स्क्वायर फीट बोल रहा हूँ, उसमें भी 60 टैंक का बायोफ्लोक हमारा बन सकता है। उसकी यूनिट कॉस्ट भी 7 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। इसमें करते क्या है कि प्लास्टिक की HDPE लाइनिंग से 4-4 डायमीटर के इसमें खोदते नहीं है, प्लास्टिक के सहारे उसको हम ये बायोफ्लोक पॉइंट्स में लगा देते हैं। जो ये वीडियो हमारा दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा छोटे से पॉन्ड्स का है, इसमें हमने मछली मिक्स कल्चर इसमें हम लोग किया हुआ है, मिक्स रूप से फार्मिंग कर रहे हैं। ये जो फीडिंग्स है आदमी फेंके जाता है, ये छोटा सा तालाब है, इसमें कतला, रेहू, मिर्गल हमारी और जगह पंगेशियस मछलियाँ इसको कल्चर किया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे से पॉन्ड्स बना लेते हैं, जैसे 0.1 हेक्टर का बोला, उसमें भी आप बायोफ्लॉक करके कहते हैं, बायोफ्लॉक में 1500 स्क्वायर फीट जमीन लग जाएगी, तो जमीन का बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे हमने रीसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम, जैसे हमारे कृष्णकांत जी बैठे हुए हैं, इन्हें एक रीसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम, मतलब आरएएस उसको हम लोग बोलते हैं, कि उसी पानी का उपयोग करते हैं, जो पानी हमारा हो रहा है कल्चर कर रहे हैं उसी को बार बार सर्कुलेट करना, ये नई टेक्नोलॉजीज है। इसकी यूनिट कॉस्ट 50 लाख, 25 लाख और से शुरुआत होती है। तो अगर फार्मर्स अगर जुड़ना चाहें तो इस टेक्नोलॉजी का जो मुख्य रूप से फायदा है आरएएस रीसर्कुलेटरी का, कि इसमें फार्मिंग का वेस्टेज कम होता है और एक ही स्थान पर एक ही अधिक से प्रजातियों का कल्चर हो सकता है, और पूरा का पूरा कल्चर हमारा कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। कौन सी स्पीशीज हम पाल रहे हैं उसको मालूम रहेगा, कितना हमें फीड देना है, कितना हमें निकालना है। क्या इसकी कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है कि जो नए कृषक इसमें आना चाह रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है? बिल्कुल, हमारे विभाग का जो उद्देश्य है, हम लोग जो नए फार्मर्स होते हैं, क्रमशः जो बायोफ्लॉक हैं, आरएएस हैं, बायोफ्लॉक पॉन्ड में कल्चर करते हैं, इनको हम पहले जो हमारे उन्नत प्रगतिशील फार्मर हैं उनका भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा हमारे नौगांव ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट है, हम कोशिश करते हैं कि फार्मर्स को वहाँ ग्रुप बनाया जाए, उनको ग्रुप में जोड़ते हैं। हमने अपने जो हमारे प्रगतिशील फार्मर्स हैं उनके बीच में आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, किसी प्रकार की भी समस्या किसी को होती है एक दूसरे से टाई अप रहते हैं वो। और इसके अलावा भी अगर हमारे फार्मर्स को लगता है तो जो हमारे केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे हमारा कौशल्या गंगा भुवनेश्वर में है, बैरकपुर में है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, मुंबई में है, तो वहाँ पे फार्मर्स की डिमांड पे हम उनको प्रशिक्षण करवाते हैं। सर, क्या इसकी जागरूकता के लिए कोई अभियान चलाए जाते हैं जिला संबंधी या पंचायत तो स्तर पर, कि कैसे नए किसान या नए युवक इसमें आना चाहते हैं, तो जहाँ हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो इसमें वो कहीं ना कहीं स्वरोजगार की एक बहुत ही उत्तम दिशा को खोज सकें, तो क्या इसके कोई अभियान, कोई कार्यक्रम? ऐसा हमारा अभियान के लिए हम लोग ने प्रत्येक जहाँ जहाँ हमारे जिला पंचायत स्तरीय कैंप लगते हैं, मेला स्टॉल लगते हैं, हमारे विभाग के अधिकारी वहाँ जाके अपना स्टॉल लगाते हैं, पंपलेट मारते हैं, लीफलेट्स मारते हैं, रेडियो जिंगल्स का भी हमने प्रोविजन कर रखा है। एक्सटेंशन पे हम लोग जैसे बात करते हैं तो जहाँ भी फार्मर्स हमारे रहते हैं उनको जहाँ जहाँ भी, जैसे अभी हमारे जो किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में हमने संकल्प यात्राएं निकाली, घर घर किसान अभियान भी हम लोग गए,
कि भाई आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, केसीसी बनवाने से उनको फायदा होता है, जो मछुआरा था बेचारा भोला भाला होता था, कुछ बिचौलिए उसके साथ जुड़ जाते थे तो उसका शोषण किया करते थे। इसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल रही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हम अपना क्यों ना हमें किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं। तो अल्पकालीन ऋण में हम लोग आपको आपके चैनल के माध्यम आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में पूरे भारतवर्ष में हम प्रथम स्थान पर हैं, और हम लोगों ने यहाँ अपने फार्मर्स को ये जो कि नदियों में मछली पान कर रहे हैं उसको किसान कार्ड दे रहे हैं, सहकारी समितियां हैं उनको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, और इसमें फार्मर का इंटरेस्ट रुचि भी बहुत है। और युवा उद्यमी इसमें करना चाहेंगे, युवा उद्यमियों के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारे कृष्णकांत भाई जी ने भी बताया कि आप इसको हमारी स्कीम को जो प्रधानमंत्री की स्कीम से उसमें लोन लेके भी आप अपना धंधा कर सकते हैं, और अपने स्वयं का पैसा अगर आपके पास है तो उसमें सब्सिडी लगा के भी प्रोवाइड करते हैं। स्कीम दोनों प्रकार से ओपन है, अगर वो अपना फार्मर खुद का पैसा लगाता है तो भी मिल सकता है, और अगर बैंक जाता है तो भी मिल सकता है। और सब्सिडी प्रोविजन करवाने में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। वर्तमान में हमारा फार्मर जो भी अपना तालाब पूरा कर लेता है तो हम उसको सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि सर ने बताया कि मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में नंबर वन है जहां पर केसीसी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा क्षेत्र जो है यहां पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। कृष्णकांत जी, हम आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, हमारे युवा कृषकों के लिए जो क्षेत्र माना चाहते हैं उनके लिए आप क्या प्रेरक संदेश देना चाहेंगे? ये जो भी युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी फील्ड है, कम लागत से इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा पाया जा सकता है। आप खुद कृषि में बहुत मुनाफा है, मछली पालन में बहुत मुनाफा है, आप इसे करके देखिए। दूसरा, अगर कोई भी हमारे प्लांट पे विज़िट करना चाहता है, कोई भी युवा साथी इस फील्ड में आना चाहता है, तो वो कभी भी हमारे प्लांट में भोपाल में विज़िट कर सकता है, हम उसे पूरा सहयोग देंगे हर चीज़ में। बहुत बढ़िया। जैसा कि कृष्णकांत जी ने बताया कि किस प्रकार से आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, जहां से हम बात करते हैं कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके पास में रास्ते नहीं है, कई बार ऐसी मुश्किलें सामने आ जाती हैं कि आपको क्षेत्र उस तरीके से नहीं प्राप्त हो रहा होता है, तो यहां पर जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई है, कैसे आप कम से कम आपके पास में जो उपलब्धता है उसमें आप अधिक से अधिक आप मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र मत्स्य पालन संबंधी जो आज आपके सामने यहां पर बताया गया है, तो आप इसमें जुड़कर आप अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं, आप अपना और अपने परिवार को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णकांत जी, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।